स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर केयर प्लस में। दोस्तों अगर आप चेहरे के ऊपर मौजूद कील मुहासों की समस्या से परेशान हैं और आपने अपने कील मुहासों को हटाने के लिए तरह तरह के उपयोग कर लिए हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो को आप एक बार अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा पुराना तरीका, एक दादी माँ का नुस्खा आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके कील मुहासों को जड़ से ख़त्म करने का काम करेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए भ्रंग निकला हुआ आलू को। जी हाँ दोस्तों, आलू को जब हम गीले कपड़े के अंदर कुछ दिन तक रखते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से भ्रंग निकल आते हैं। आपने भी घरों के अंदर देखा होगा जब आलू पुराना हो जाता है तो उसके अंदर इस तरीके से भ्रंग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस आलू के भ्रंग का इस्तेमाल करना है अपने कील मुहासों को हटाने के लिए। ये दोस्तों इसके भ्रंग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कील मुहासों बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। तो हमने एक आलू के भ्रंग इसके अंदर ले लिए हैं। अब दोस्तों हमें इन आलू के भ्रंगों को हल्का हल्का सा इसको हमें कद्दूकस करना है। ज़्यादा भी आपको इसे कद्दूकस नहीं करना है वरना जो इस आलू का भ्रंग का जो गुण है उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप घिसनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे अगर चाहे तो हमाम दस्ते में आप इसे कूट भी सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इसे घिसने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कद्दूकस इसे कर लेंगे। दोस्तों आलू के ये जो भ्रंग है ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये हमारे कील मुहासों को तो हटाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ ये जो उसके दाग धब्बों के निशान रह जाते हैं ये उन्हें भी हटाने का काम करते हैं। तो ये हमारा जो आलू का भ्रंग है इसे हमने हल्का सा कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर दोस्तों इस तरीके से आप इसे दबा लीजिए हाथों से ही। अब इसके अंदर हम एक चीज़ और डालेंगे जो कि हमारे जो कील मुहासे है उसे ख़त्म करने का काम करता है। दोस्तों इसके अंदर हम एक और चीज़ डालने वाले हैं, अब वो है कोलगेट की। दोस्तों कोलगेट जो है ये हमारे कील मुहासों को ठंडा करता है जिससे कि हमारे कील मुहासे जड़ से उखड़ना शुरू हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा सिर्फ कोलगेट के इस्तेमाल से ही हमारे कील मुहासे होना बंद हो जाते हैं या फिर अगर हम रातों रात अगर हम कोलगेट का इस्तेमाल अपने कील मुहासों पर करें तो सुबह तक हमारे कील मुहासे बहुत ही छोटे हो जाते हैं, आकार में बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। ये जो आलू के भ्रंग और ये कोलगेट है ये दोनों आपस में मिलकर इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि आपके कील मुहासों को जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे, साथ ही आपके जो कील मुहासों की समस्या के बाद आपके जो निशान रह जाते हैं उसकी झाइयाँ रह जाती है ये उसको भी ख़त्म करने का काम करेंगे। तो इसे इस तरीके से उंगली से आप मिला लीजिए और अपने कील मुहासों पर ये लगाने के लिए तैयार है। आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आप इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी उम्र 16 साल से ज़्यादा की है तो ही आप इसका इस्तेमाल अपने कील मुहासों को पर करें। तो इस तरीके से आपको अपने चेहरे के ऊपर जहाँ पर भी आपको कील मुहासे की समस्या है आप इसे इस तरीके से इसे लगाकर कुछ देर तक छोड़ दें, या फिर अगर मेरी बात माने तो आप इसे रात भर लगा रहने दें अपने कील मुहासों पर। आप सुबह उठकर देखेंगे कि आपका कील मुहासा बिल्कुल ही गायब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पुराना नुस्खा है और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना है अपने कील मुहासों पर। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके पहले ही इस्तेमाल से अपने कील मुहासों का खात्मा होना दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की जानकारी वाली और ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नेचर केयर प्लस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।